दादा को थोड़ा प्रायोरिटी दिलवा दीजिए। ए छोटो भैया भैया जी नमस्कार राशन सिंह अक्सर मिले मशीनें बहुत खराब हैं लखनी में खराब है, भावनपुर में खराब है, नदौल की खराब है और कुर्थी जाफरपुर में 310 नंबर बूथ पर एक सीआरपी का सिपाही किसी को वोट देने जाने नहीं दे रहा है। 310 बूथ नंबर कुर्थी जाफरपुर जूनियर हाई स्कूल वो अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, जो कार्ड जैसे जिनका पर्ची नहीं मिला हुआ जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उनके अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। ये कार्ड नहीं मिला है जैसे मान लीजिए किसी का छूट गया है पर्ची, वोटर जो स्लिप येलो से भटी हुई है वो जो छूट गई है, जैसे मान लीजिए जिनका वोट है उनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं जैसे कार्ड लेके या जो भी आधार कार्ड हो वोटर कार्ड हो अंदर आज भी तो बैठे होंगे बीएलओ उधर कहीं होंगे बैठा होंगे तो मान लेगा वहाँ वो जो मान वो अंदर नहीं आने दे रहा बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए सेक्टर मजिस्ट्रेट बुक जा रहे हैं तो हम चले आपको बहुत देखना है निष्पक्ष चुनाव आप करा देंगे यही हमारी उम्मीद है आप करा भी रहे हैं और निष्पक्ष गणना करा दीजिएगा बस यही हमारी प्रार्थना है। विधायक जी हाँ सर आज मतदान चल रहा है घोसी उपचुनाव का क्या है सर पूरा आज घोसी उपचुनाव होने के बाद आज सात दिन मतदान शांतिपूर्वक प्रारंभ हो गया और पर्याप्त व्यवस्था सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट सुपर जोनल मजिस्ट्रेट आदि व्यवस्था की गई है शांतिपूर्वक मतदान कराने की तैयारी है तो शांतिपूर्वक एकदम मतदान जो है शुरू हो चुका है पूरा जगह जगह उत्साह देखा जाता है वो आज कुछ कम दिख रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है अभी तक सभी हमने 5 करीब देखे हैं वो उसमें 25% अभी कितना 1 घंटा हुआ है 25% तक वोटिंग हो गई है तो उत्साह है लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं और समय जैसे जैसे बढ़ेगा और भी आएंगे। कुछ जगहों पे ईवीएम मशीनों की खराबी की बात भी सामने आ रही है अभी तक हम लोगों ने जितने बूथ देखे वहाँ पर ऐसे कोई हम लोग को ये समस्या बताई गई यहाँ पे एक जगह बताया गया कि शुरू के आधे घंटे में थोड़ी दिक्कत थी फिर वो रिप्लेस हो गई दूसरी ईवीएम मशीन यहाँ जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उनका ये आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से जैसा कि उन्होंने प्रेक्षक के सामने जो है जो चुनाव प्रेक्षक उनके सामने ये आरोप लगाया कि जिला प्रशासन जो ईवीएम मशीनों को खराब कर दे रहा है क्या मतलब नहीं ये ऐसा ये सब आरोप निराधार है और सभी जगह एकदम फ्री और फेयर पोल हो रहा है। मतदान हो रहा है सर क्या कुछ चुनाव जो मतदान हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और मतदाताओं में उत्साह भी दिख रहा है। सुबह 9 बजे तक 9% से अधिक मतदान हो चुका है और मतदाता लगातार आ रहे हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है और किसी भी तरह की कोई समस्या कोई अवरोध कहीं से कोई शिकायत से प्राप्त नहीं हुई। लगातार अधिकारी भ्रमणशील हैं पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से मतदान संपन्न होगा। अभी शिकायत आ रही थी कि 310 बूथ नंबर जो मुजफ्फरपुर में है वहाँ पे एक सीआरपीएफ के जवान है जो कि वोट नहीं डालने दे रहे हैं कुछ मतदाताओं को। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पर भी सीआरपीएफ के जवान या जो सीपीएमएफ के लोग तैनात हैं जो भी मतदाता आ रहे हैं उनको कतारबद्ध करवा रहे हैं और हर जगह पे जवान और अधिकारी और स्थानीय सिविल पुलिस के अधिकारी लगे हुए हैं। सीआरपीएफ के जवान का जो मैंडेट है वही वो कर रहा है। शिकायत निराधार पाई गई
पूरे जिले में पूरे घोसी विधानसभा में सुरक्षा और मतदान कहीं कुछ गड़बड़ी या किसी चीज की आशंका को देखते हुए क्या व्यवस्था की? आशंका जो है उस पर प्रभावी कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। जो चिन्हित तत्व थे, शरारती तत्व थे, जिनसे गड़बड़ी की आशंका थी, उनके ऊपर लगातार नजर रखी जा रही है और उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं और अभी तक कहीं से किसी गड़बड़ी की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। और यदि कहीं पर इस तरह की सूचना आती है तो कठोर कार्रवाई करके उनके इस तरह के इरादों को खत्म किया जाएगा। कुछ फर्जी मतदाता भी पकड़े गए हैं सर? अभी तो कोई फर्जी मतदाता कहीं नहीं पकड़े गए हैं। कायदे से चेकिंग हो रही है और सबका मिलान किया जा रहा है हर बूथ पर, जिससे किस तरह से फर्जीवाड़े की कोई अभी तक कार्रवाई या सूचना प्राप्त नहीं हो पाई। जो प्रत्याशी है सर, वो उनका आरोप है कि ईवीएम मशीनों को जिला प्रशासन खराब कर दे रहा है, इसके पीछे क्या? देखिए, ईवीएम के बारे में चुनाव आयोग ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया, हर जगह मतदान हो रहा है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। आयोग ने चुनौती भी दिया था कि जिसको भी अपना बताना है वो आए और बताए। और जिस तरह के तमाम तरह के परिणाम आए हैं देश में, इससे स्पष्ट होता है कि ईवीएम की फंक्शनिंग बहुत अच्छी है और 20-25 सालों में जिस तरह से ईवीएम ने परफॉर्म किया है, इससे चुनाव लगने वाले समय में बचत हुई है और बहुत ही प्रक्रिया पारदर्शी हो गई। अब तो वीवीपैट भी है, तो इस तरह की बातों को नहीं करना चाहिए लोगों। 166 बूथ जो भावनपुर में पड़ता है उसमें ईवीएम खराब थी और अब जाकर के ईवीएम जो है दूसरा लाया गया, जो कि तीन घंटा जो मतदान बाधित रहा। जैसा कि आप जान रहे हैं, हर जगह पे टेक्नीशियंस हैं और जहां भी कहीं बैटरी की वजह से या किसी वजह से आता है तो ईवीएम बदली जाती है और बदल दी गई है और मतदान प्रारंभ हो गया।